घर से खुशियों के साथ निकलने वाले बारातियों के वहमो गुमान में भी ना था कि मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उनकी खुशियां गम में बदल जाएंगी। किसी बाराती के तस्वुर में भी ना था कि किरण की बारात में शरीक मोहम्मद परवेज को नामालूम मोटरसाइकिल सवार कत्ल कर देंगे और बआसानी फरार हो जाएंगे। मकतूल के रिश्तेदार के मुताबिक बारातियों की रिक्शा ड्राइवर से हादसे के बाद तल्ख कलामी हो गई थी। नामालूम मोटरसाइकिल सवार भी लड़ाई में कूद पड़े और परवेज को गोली मार दी, जो सर्विसेज अस्पताल में दम तोड़ गया। भाई उन्हें अज बिस्तरे गई उन्हें ना उन्हें चला बिस्तरे छड़ा और मैं रब गया आगे कहना चलो चलो जाओ उन्हें बिस्तरे चलाता। जख्मी परवेज अस्पताल में दम तोड़ गया। फिर तो जैसे बूढ़ी माँ और बच्चों समेत बारातियों पर आसमान टूट पड़ा। मकतूल की वालदा और बच्चों का कहना है कि बाप के कातिलों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। पुलिस ने लाश मुर्दा खाने जमा करा के कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तमाम पहलू जेरे गौर हैं, मुल्जिम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। ये एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान एक ही गोली लगी है जिससे उसकी मौत वाकई हुई। अभी मजीद तफ्तीश होगी, फिर आगे जो है ना वो क्लियर होगा। जी अंतोनाथ वाकये के बाद गम में निढाल दुल्हा रस्म दुनिया निभाने के लिए दुल्हन के घर पहुँच गया। कैमरामैन कामरान खान के साथ वकास अहमद, सिटी 42।